नियोजन नीति को लेकर भाजपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को भी भाजपा विधायकों 60-40 नए चलतों का नारा लगाते दिखे। सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को खतियानी जोहार कहा। सभी बीजेपी विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी विधायक नारा लगाते हुए बोल रहे हैं, तैयारी मंत्री नाय चलतो, नियोजन नीति वापस लो। आज एक और खास बात यह रही कि बीजेपी विधायक 60-40 नाय चलतो लिखा टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसी टी शर्ट को पहनकर वह मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक 60-40 नाय चलतो ऊना ना 132 की भेलो का नारा लगा रहे हैं। इस दौरान भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। कैसे इस मामले पर राज्य में गतिरोध कायम रहे और युवा दल दर भटकते रहे, इस पर सरकार काम कर रही है। सरकार युवाओं को छल रही है, हर बार उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार पिछले दरवाजे से नियोजन नीति ला रही है, जबकि सत्र चल रहा है तो इस नीति को पहले सदन में लाना चाहिए था। दरअसल सरकार की मंशा ही नहीं है युवाओं को नौकरी देने की। 40% बाहर जब 32 की बात करने वाली हेमंत जी की सरकार, जब विधानसभा में इन्होंने 32 का खतियान का मुद्दा को लेकर आए, नियोजन नीति लेके आए, हम लोगों ने समर्थन किया। अब ये 40% 60-40 लाकर लेके आए हैं, 40% बाहरियों के लिए रास्ता खोल दिया। राज्य के युवा लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है। नौकरी ही तो मिलेगी झारखंडियों को, यहाँ के नौजवानों को। थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में जो है सीधे पहले 11 जिला को, बाद में 24 जिला को भारतीय जनता पार्टी ने, 13 जिला और 11 जिला को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए आरक्षित करने का काम किया था। लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिला और उस नीति को रद्द कर दिया इस सरकार ने। अब 40% बाहरियों के लिए रास्ता खोल दिया है। रघुवर जी की सरकार में 5 लाख नौजवानों को अस्थायी नौकरी देने का काम किया। 5 लाख, चाहे वो पार्टी सरकारी टीचर हो, चाहे मध्य विद्यालय के शिक्षक हो, हाई स्कूल शिक्षक हो, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक हो, दरोगा हो, बंदरछी हो, पंचायत सचिवालय कर्मी हो, ऐसे अनेकों नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।